गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर टू वर्ण विचार चल रहा है। लास्ट वीक हमने इसके प्रश्न उत्तर किए थे, ठीक है। आज हम स्वर और व्यंजन में अंतर बताएंगे कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर वह होते हैं जिनको बोलने में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। व्यंजन वह होते हैं जो कि स्वर की सहायता से ही बोले जा सकते हैं। जैसे का का अगर हम बोलते हैं तो का के पीछे काहे की आवाज है, अ की, यानी कि स्वर की। ख ख ख यदि हम बोलते हैं तो इसके पीछे किसकी आवाज है, स्वर की, यानी कि अ की। दूसरा टॉपिक है हमारा अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन, यानी अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं और महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन वह होते हैं जिनको बोलने में सांस और कम प्रयत्न की आवश्यकता होती है। जैसे क ग ड च ऐ ट ड ण त द न प म ब य र ल व। अब महाप्राण क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन वह होते हैं जिनको बोलने में अधिक श्वास और अधिक प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ। अब आता है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक को जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि अनुस्वार कहते किसे हैं। अनुस्वार कहते हैं हम बिंदी को, यानी अनुस्वार वह है जो बिंदी के रूप में किसी भी व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे का के ऊपर यह बिंदी है तो क्या है, ये अनुस्वार। बा के ऊपर यह बिंदी है तो क्या है, ये अनुस्वार। शब्द है हमारा चंचल। चा के ऊपर बिंदी है तो क्या है, ये अनुस्वार। पा, पा के ऊपर बिंदी है तो क्या है, ये हमारा अनुस्वार। यानी बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं। दूसरा है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक है चंद्र बिंदु। इसको बोलने में वायु यानी हवा नाक और मुंह दोनों के रास्ते बाहर आती है। शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सा शब्द है, ऊपर ये लगाया तो बन गया सा, पे, सांप। हा, हा शब्द है, इसके ऊपर लगाया तो हां, हंसी। का शब्द है, इसके ऊपर हमने यह लगाया तो बन गया कां, यानी कांपना। तो यानी अनुस्वार को हम चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।